नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। आज हम पढ़ेंगे कविता सवैये। सवैये कविता रसखान जी द्वारा रचित है। रसखान जी श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। वो इस कविता को पढ़ने से पता चलता भी है। श्री कृष्ण के बारे में ही जिक्र किया है, श्री कृष्ण के बारे में ही लिखा है इस पूरी कविता में। और श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त वो किस तरह से थे, ये इस पहले पैराग्राफ को पढ़ने से भी पता चल जाएगा आपको। और साथ ही साथ आपको ये भी पता हो कि सवैये क्या है, ये सवैये का अर्थ क्या है। सवैये एक्चुअल में एक छंद का नाम है। छंद क्या होते हैं पहले आप वो सुन लीजिए कि छंद वर्णों और मात्राओं की गिनती करके, वर्णों या मात्राओं की गिनती करके कविताएं लिखी जाती हैं। कुछ निश्चित, जैसे दोहा आपने सुना होगा, दोहा छंद, उसमें निश्चित है। क्या निश्चित है कि 13 मात्राएं शुरू पहले पहली लाइन में होंगी, पहली पहले चरण में होंगी, और उसके बाद अगले लाइन में, अगले चरण में 11 मात्राएं होंगी। इसी तरह से 13 11 13 11, इस तरह से जो कविता रची जाती है, जो काव्य रचा जाता है, वो दोहा कहलाता है, जिसमें 13 11 13 11। इसी तरह से चौपाई छंद भी आपने सुना होगा। चौपाई छंद में हर चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं। तो ऐसे ही सवैया भी है। मतलब जिस तरह से आप दोहा सुनते हैं, चौपाई सुनते हैं, इस तरह से सवैया भी एक छंद का नाम है, जिसमें निश्चित मात्रा ही होती है। 22 से लेकर 26 तक इसमें वर्णों की गिनती होती है। तो ये सवैया है। और इस ये पूरी सवैया हर पैराग्राफ में सवैया छंद का ही प्रयोग हुआ है। तो हम पहले पैराग्राफ से शुरू करते हैं। रसखान जी ने पहले पैराग्राफ में क्या बताया, पहले आप सुन लीजिए। रसखान जी पहले पैराग्राफ में बताते हैं कि अगर मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में होता है, तो मैं ग्वाला बनना चाहता हूं। वो ग्वाले जो श्री कृष्ण के साथ रहा करते थे, उनके साथ खेला करते थे, मैं ग्वाले के रूप में ही जन्म लेना चाहता हूं। और अगर मेरा जन्म, अगला जन्म मनुष्य का न होकर पशु का हो, अगर मेरा जन्म पशु का हो, तो मैं गाय बनना चाहता हूं। गाय कौन सी? वो गाय जो श्री कृष्ण वनों में, जंगलों में चराने के लिए ले जाया करते थे, मतलब नंद की गायों के बीच में चरना चाहता हूं, ऐसा वो एक कामना करते हैं रसखान जी। लेकिन अगर मनुष्य या पशु दोनों में से किसी का न होकर मैं, अगर अगला जन्म मेरा पत्थर के रूप में हो, तो मैं उस पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं जो श्री कृष्ण ने अपनी उंगली में उठाया था। ऐसा पर्वत जो श्री कृष्ण ने उंगली में उठाया था, मतलब गोवर्धन पर्वत का पत्थर मैं बनना चाहता हूं। और ऐसे ही अगर मेरा जन्म इन तीनों में से किसी का न होकर, बल्कि पक्षी के रूप में अगर मेरा अगला जन्म होता है, तो मैं यमुना नदी के किनारे पर जो कदम के पेड़ हैं, उसकी डालियों पर अपना बसेरा, अपना घोंसला बनाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि वहां श्री कृष्ण खेला करते थे कभी। तो साफ सा मतलब है, भाव यही है कि वो श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं। रसखान जी उनके समीप जाना चाहते हैं, उनकी समीपता चाहते हैं, उनके उनसे संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनके पास ही रहना चाहते हैं। इसीलिए ऐसा कामना इसीलिए ऐसी कामना करते हैं रसखान जी। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, अब आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिए, मानुष हो तो वही रसखानी, बसाऊ ब्रज गोकुल गांव के गवारन। मानुष माने मनुष्य, और रसखानी, यहाँ रसखान जी, रसखानी का अर्थ है रसखान, यानी इस कवि का नाम। अक्सर आपने देखा होगा कविताओं में, अक्सर कवि अपना नाम लिख देते हैं बीच में, तो वही है ये रसखानी, रसखान जी। बसाऊ माने रहना, और ब्रज एक जगह का नाम, जिसके अंदर एक गोकुल गांव है, ब्रज के ही गांव का नाम है गोकुल, जहाँ श्री कृष्ण निवास करते थे। और गवानन माने ग्वाले, इसकी हिंदी बनेगी। तो रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा अगला जन्म मनुष्य का हो, तो मैं ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहना चाहता हूं। मतलब मैं भी ग्वाले के रूप में ही अपना जन्म चाहता हूं, ताकि मैं उनके बीच रह सकूं। जो पशु हो तो, पशु माने पशु, यदि मेरा जन्म पशु का हो, तो कहा बस मेरो, कहा बस मेरो, मेरा बस इतना ही कहना है। मेरो माने मेरा, बस माने बस, और कहा माने कहना। मेरा बस इतना ही कहना है कि चरऊ चरना चाहता हूं। नित माने रोज, नंद की धेनु, नंद श्री कृष्ण के पिता का नाम, और धेनु माने गाय, मंझारण माने के बीच में, गाय के बीच में, नंद की गायों के बीच में नित माने रोज चरना चाहता हूं। अगर मेरा अगला जन्म पशु का होता है, तो मेरा बस इतना ही कहना है कि मैं नंद की गायों के बीच में चरना चाहता हूं। अगर मेरा अगला जन्म पाहन, पाहन यानी पत्थर, पत्थर का हो, तो वही गिरी का, उसी गिरी का बनना चाहता हूं। गिरी माने पर्वत का, जो किया था हरि छत्र, हरि ने यानी श्री कृष्ण ने छत्री के रूप में, आपने ये कहानी जरूर सुनी होगी, देखी होगी, पढ़ी होगी, तो श्री कृष्ण ने छत्री के रूप में, पुरंदर का मतलब इंद्र, और यहां इंद्र क्यों आया है, इंद्र भगवान के क्रोध से बचने के लिए ऐसा किया था। इंद्र भगवान ने जो बरसात की थी, बरसात के देवता इंद्र भगवान, तो इंद्र भगवान के क्रोध से बचने के लिए जो हरि ने छतरी धारण की थी, धारण माने धारण करना, मैं उसी पर्वत का पाहन, पत्थर बनना चाहता हूं। एक बार इसी लाइन की हिंदी जल्दी से सुन लीजिए कि अगर मेरा अगला जन्म पत्थर का हो, तो मैं उसी पर्वत का बनना चाहता हूं जो श्री कृष्ण ने इंद्र भगवान से क्रोध, इंद्र भगवान के क्रोध से बचने के लिए श्री कृष्ण ने छतरी के रूप में धारण किया था।
जो खग हो तो यदि मेरा जन्म पक्षी का हो, खग माने पक्षी, तो बसेरो करो, मेरा मेरा बसेरा कर, मैं बसेरा करना चाहता हूँ, करो माने करना चाहता हूँ, मिली मिलना, और कालिंदी माने यमुना नदी, और कुल माने किनारा, कदम कदम एक पेड़ का नाम, और डारन माने डाली, कदम की डालियाँ, कदम की जो ब्रांचेज होते हैं यानी डालियाँ हैं उन, या टहनियाँ हैं, उन पर मैं बसेरा करना चाहता हूँ, ऐसा वो कहते हैं। इसकी हिंदी क्या बनेगी देखिए, यदि मेरा अगला जन्म पक्षी का हो तो मेरा, मैं इतना ही चाहता हूं कि मुझे यमुना नदी के किनारे कदम की डालियों पर बसेरा मिले। बसेरा मिले मतलब मैं वहीं पर ही रहना चाहता हूं, ताकि मैं श्री कृष्ण के समीप यानी श्री कृष्ण जहां खेला करते थे वहां रह सकूं। इस पैराग्राफ में रसखान जी बताते हैं कि श्री कृष्ण उनके लिए कितना महत्व रखते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस है, ये इस पैराग्राफ में बताया है। क्या कहते हैं श्री कृष्ण कि अगर लकड़ी या कंबल, लकड़ी जो उनके हाथ में रहा करती थी और जो कंबल वो उड़ा करते थे, अगर मुझे वो मिल जाए और दूसरी तरफ तीनों लोकों का राज मेरे पास हो, तो मैं ये वाली चीज यानी कंबल और लकड़ी को लेना पसंद करूंगा बजाय तीनों लोकों के राज को। तीनों लोकों के यानी पृथ्वी, आकाश और पाताल, इनका राज अगर मुझे मिले और दूसरी तरफ मुझे लकड़ी और कंबल जो श्री कृष्ण द्वारा धारण किए गई हैं उन, वो मिले, इन दोनों में से मैं लकड़ी और कंबल लेना चाहूंगा। यानी बताने का मतलब यही था कि श्री कृष्ण मेरे लिए कितना महत्व रखते हैं। ऐसे ही अगर मुझे गाय चराने के लिए मिल जाए, जो श्री कृष्ण गायों को चराने ले जाते थे, वे गाय चराने को मिल जाए मुझे, तो मैं आठ सिद्धियां और नौ निधियों के सुख को छोड़ दूं। आठ सिद्धियां और नौ निधियां क्या है? आठ सिद्धियां और नौ निधियां मतलब एक तरह से तपस्या से प्राप्त होती थी वो, और वो अगर मिल जाए, आठ सिद्धियां और नौ निधियां मतलब आपने आठ सिद्धियां और नौ निधियां सीख ली तो मतलब दुनिया जहां के हर सुख को प्राप्त कर लिया। तो आठ सिद्धियां और नौ निधियों के मुकाबले मैं नंद की गायों को चराने के प्रेफर करूंगा, प्राथमिकता दूंगा, मतलब मुझे ये ज्यादा पसंद आएंगी बजाय आठ सिद्धियां और नौ निधियों के। और ऐसे ही अगर मुझे श्री कृष्ण जहां रहा करते थे वहां के बाग, बगीचे, तालाब देखने को मिल जाए, तो मैं करोड़ों सोने के महलों को न्योछावर कर दूं। इसी तरह की बातें कहकर श्री कृष्ण के प्रति अपने महत्व को, श्री कृष्ण के महत्व को, सॉरी, श्री कृष्ण के प्रति अपने महत्व को दर्शाना चाहते थे, ये इसीलिए उन्होंने ये पैराग्राफ लिखा। देखिए, या लकुटी, या माने जो, जो लकुटी माने लकड़ी, अरु माने और, कामरिया माने कंबल, जो लकड़ी और कंबल पर राज तिहुनपुर, तिहुपुर माने तीनों लोकों के, तजी दारू, तजी माने त्याग, दारू माने डालू, त्याग दूं, त्याग डालू, क्या त्याग डालूं, तीनों लोकों का राज, तीनों लोकों का राज मैं छोड़ दूं, त्याग दूं, किस पर? यदि मुझे लकुटी और कमरिया यानी लकड़ी और कंबल मिल जाए, जो श्री कृष्ण द्वारा धारण की हुई लकड़ी और कंबल अगर मुझे मिल जाए तो मैं तीनों लोकों के राज को त्याग डालूं। आठव सिद्धि नवव निधि, आठ सिद्धियां और नौ निधियां के सुख पर नंद की गायें, नंद की गायें चराने, चराई माने चराने के लिए, अगर मुझे नंद की गायें चराने के लिए मिल जाए तो मैं आठ सिद्धियां और नौ निधियों के सुख को बिसारो, बिसारो यानी भूल जाऊं, आठ सिद्धियों और नौ निधियों के सुख को भूल जाऊं। रसखानई, रसखान यहाँ फिर कवि ने अपना नाम लिख दिया है, रसखान कभव इन आखिन सो, कभव माने कभी, रसखान जी कहते हैं कि कभी इन आखिन को, इन आंखों को ब्रज के वन बाग तड़ाग, तड़ाग माने तालाब, वन बाग और तालाब निहारो देखने को मिल जाए। रसखान जी कहते हैं कभी इन आंखों को ब्रज के वन बाग और तालाब देखने को मिल जाए तो कोटिक एकल धोत, कोटिक माने करोड़ों, करोड़ों महलों के धाम, करोड़ों महलों के धाम कांटेदार झाड़ियों पर न्योछावर कर दूं, वारव माने न्योछावर कर दूं, कुंजन माने झाड़ियों पर, कांटेदार झाड़ियों पर न्योछावर कर दूं, किसे? करोड़ों महलों के धाम को। किसके लिए? यदि मुझे इन आंखों को देखने को मिल जाए, क्या मिल जाए? ब्रज के वन बाग और तालाब देखने को मिल जाए तो मैं करोड़ों महलों के धाम कांटेदार झाड़ियों पर न्योछावर कर दूं। अब इस पैराग्राफ में रसखान जी गोपियों के बारे में चर्चा करते हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से क्या कह रही है। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि तू अगर मुझे कहे तो मैं श्री कृष्ण का हर रूप धारण कर लूंगी। हर रूप कौन सा? कि जैसे उन्होंने मोर पंख अपने मुकुट में डाल रखे हैं तो मैं वैसा ही मुकुट डाल लूंगी। उन्होंने जो गले में माला पहन रखी है मैं वैसी ही माला भी डाल लूंगी। और अगर तू कहे तो मैं पीले वस्त्र ओढ़ने के लिए भी तैयार हूं जो श्री कृष्ण पहनते हैं, और जो लकड़ी धारण करते हैं मैं वो लकड़ी, सॉरी, लकुटी लेकर या लकड़ी लेकर वन में यानी जंगल में गायों को चराने के लिए भी चली जाऊंगी, बिल्कुल वैसा ही काम कर लूंगी जो श्री कृष्ण करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि मुझे श्री कृष्ण बहुत पसंद है, इतने अच्छे लगते हैं कि उनका हर रूप धारण कर लूंगी, लेकिन एक चीज मैं धारण नहीं करूंगी उनकी। वो कौन सी? वो है बांसुरी। वो बांसुरी जो उन्होंने अपने होठों साथ लगा रखी है वो मैं बिल्कुल धारण नहीं करूंगी। कारण क्या है? क्योंकि वो श्री कृष्ण सबसे ज्यादा प्रेम उस बांसुरी को करते हैं, और
यहाँ गोपियों को ईर्ष्या हो रही है। ईर्ष्या किस चीज पर? कि वो बांसुरी को ज्यादा प्रेम कर रहे हैं बजाय हमसे। हमसे वो इतना लगाव नहीं रखते जितना वो बांसुरी से ज्यादा लगाव रखते हैं। तो मैं उस बांसुरी से नफरत करती हूँ, ये गोपी कह रही है दूसरी गोपी से। बाकी मैं सब कुछ धारण कर लूंगी लेकिन उस बांसुरी को बिल्कुल भी धारण नहीं करूंगी जिससे वो ज्यादा लगाव रखते हैं, ज्यादा प्रेम करते हैं। तो यहाँ ये दर्शाने के लिए कि श्री कृष्ण जिनसे ज्यादा प्रेम करते हैं गोपियां उनसे ईर्ष्या रख रही हैं कि वो उनसे यानी गोपियों से प्रेम नहीं रख रहे बजाय उस बांसुरी से रख रहे हैं। तो ये ऐसा ही कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, मोर पखा सिर ऊपर रखिए। मोर पखा, अब एक गोपी दूसरी गोपी से क्या कह रही है कि मोर के पंख सिर पर, सिर के ऊपर रख लूंगी, मोर के पंख सिर के ऊपर रख लूंगी जैसा श्री कृष्ण करते हैं। गुंज की माल, गुंज माने घुंघची, जो एक माला पहनते थे उसको घुंघची की माला कहते हैं। तो घुंघची की माल गरे पहिराऊंगी, माल माने माला और गरे माने गले में, पहिराऊंगी माने पहन लूंगी। घुंघची की माला गले में पहन लूंगी, ओढ़ी पीतंबर, पीतंबर ओढ़ लूंगी, पीतंबर माने पीले वस्त्र, पीले वस्त्र ओढ़ लूंगी। और लय, ले लय माने लेकर, लकुटी, लकुटी लेकर यानी लकड़ी लेकर, बन, बन माने वन में, गोधन, गोधन माने गायें, गवार, गवारनी माने गवालों के, संग माने साथ, फिरूंगी माने फिर लूंगी यानी घूम लूंगी। और पीताम्बर ओढ़कर लकुटी लेकर वन में गायों को लेकर गवालों के साथ घूम लूंगी, मतलब गायों के साथ मैं उन्हें चराने के लिए गवालों के साथ चली जाऊंगी, गायों के लेकर चली जाऊंगी उन्हें चराने के लिए। भाव तो वो ही मेरो, भाव तो माने अच्छे लगते हैं, वो ही माने वही, वही कौन? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण मुझे इतने अच्छे लगते हैं, मेरो माने मुझे, मुझे इतने अच्छे लगते हैं। रसखानी, यहाँ फिर कवि ने अपना नाम लिख दिया तो यहाँ लिखेंगे रसखान जी कहते हैं। रसखान जी के माध्यम से एक गोपी दूसरी गोपी से क्या कहती है? रसखान जी के माध्यम से एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि वो मुझे इतने अच्छे लगते हैं, सो तेरे कहे, सो तेरे कहने पर जैसा तू कहेगी वैसा सब स्वांग करूंगी, सब स्वांग कर लूंगी, स्वांग माने वेशभूषा, सो वैसा ही वेशभूषा धारण कर लूंगी जैसा तू कहेगी, जैसा तू कहेगी मैं सब कुछ वैसा ही धारण कर लूंगी। लेकिन जो, या माने जो मुरली ने, मुरली यानी जो मुरली, मुरली यानी बांसुरी, जो बांसुरी मुरलीधर ने, मुरलीधर यानी श्री कृष्ण ने, अधरान, अधरान माने होठों पर, धरी माने धारण करना, अधरा माने भी होठों पर और धरोंगी माने भी धारण करना, मतलब धरी और धरोंगी का मतलब एक ही है और अधरान और अधरा का मतलब भी एक ही है। यहाँ दो दो बार क्यों आया? क्योंकि दो दो बार इसकी हिंदी आएगी। देखिए कैसे, तो यहां तक हमने पढ़ा था कि सब स्वांग कर लूंगी, सब वेशभूषा धारण कर लूंगी, लेकिन जो मुरली, जो बांसुरी मुरलीधर ने अपने होठों पर धारण की हुई है मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। भाव यही था कि वो अपनी बांसुरी, सॉरी श्री कृष्ण की बांसुरी से ईर्ष्या भाव रखती हैं। कारण यही था क्योंकि श्री कृष्ण अपनी बांसुरी से बहुत प्रेम करते थे बजाय अपेक्षाकृत गोपियों से, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। अब इस आखिरी पैराग्राफ में भी रस खान जी गोपियों के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से क्या कह रही है, कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि जो मुरली वो बजाते हैं, धुन, मुरली की जो धुन बजती है मतलब वो बहुत आकर्षित करने वाली होती है। इंसान तो इंसान, पशु भी उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ये आपने भी सुना होगा कि गायें उनकी तरफ दौड़ी आती थी, चली आती थी, आकर्षित हो जाती थी और वो उनके पास आकर बैठ जाती थी जब वो धुन बजाते थे। तो इतनी अच्छी धुन में जब वो बजाते हैं वो सब लोग आकर्षित हो जाते हैं, और जब वो धुन बजाते हैं तो वो सभी लोग आकर्षित होकर वहां उनके पास आकर बैठ जाते हैं। मैं उनकी तरफ आकर्षित हुए बिना रह सकती हूँ कैसे? मैं अपने कानों में अंगुली रख लूंगी यानी उसकी, उनकी धुन को सुनूंगी ही नहीं। अब जब बात आएगी कि जब वो मंद मंद मुस्कुराएंगी तो फिर मुझसे आकर्षित हुए बिना नहीं रहा जाएगा। मतलब जब ये गोपी क्यों कह रही है, ये गोपी या इस पैराग्राफ का क्या मतलब है, इसको आसान भाषा में समझिए कि इसको कहने का भाव क्या था। कि एक तरफ मुरली की धुन बज रही है जो बहुत आकर्षण करने वाली, आकर्षित करने वाली है, और दूसरी तरफ उनकी मंद मंद मुस्कुराहट है, श्री कृष्ण की मंद मंद मुस्कुराहट है। तो दोनों में से अट्रैक्ट करने वाली ज्यादा कौन है, मतलब ज्यादा आकर्षित कौन कर रही है? तो गोपियों के अनुसार ज्यादा मुस्कुरा, ज्यादा आकर्षित करने वाली उनकी मंद मंद मुस्कुराहट है बजाय उनकी जो मुरली की धुन है उनकी तरफ आकर्षित हुए बिना फिर भी रहा जा सकता है, लेकिन उनकी मन मन मुस्कुराहट इतनी ज्यादा है कि उनकी तरफ आकर्षित हुए बिना मुझसे नहीं रहा जाता, ऐसा एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है। और रसखान जी का भाव भी यही था कि उनके मन मन मुस्कुराहट हद से ज्यादा आकर्षित करने वाली है। अब इसको पढ़ते हैं, देखिए। काननी दे अंगुरी रही वो, काननी माने कानों में, दे माने रख लूंगी या दे लूंगी, अंगुरी माने अंगुली और रही वो माने रख लूंगी, कानों में अंगुली रख लूंगी। जब ही जब मुरली धुनी, मुरली की धुन मंद बजाई, मंद मंद वो बजाएंगे, जब मुरली की धुन वे मंद मंद बजाएंगे तो मैं कानों में अंगुली रख लूंगी। मोहिनी तान सो, मोहिनी माने आकर्षित करने वाली, मोहिनी का मोहिनी भी लिख सकते हो, तानन माने संगीत या तान, तान का तानन का मतलब तान भी होता है। रसखान जी, यहाँ रसखान जी है, रसखानी का अर्थ जैसा पहले भी बात हो चुकी है,
और अट्टा माने छप्पर पर। अक्सर वो जब मुरली की धुन बजाते थे या बांसुरी बजाते थे तो वो छप्पर पर चढ़कर बजाते थे। अट्टाचड़ी माने छप्पर पर चढ़कर। गोधन, गोधन एक राग का नाम है जिससे जो वो धुन बजाते थे तो वो गायें आकर्षित होकर चली आती थी, इसीलिए उसका नाम पड़ गया गोधन राग। तो वो गोधन राग बजाते थे। गही तो गही, गाते हैं तो गाते रहें। अब आपने शब्दार्थ सीख लिया, इसकी हिंदी क्या बनेगी देखिए। अभी तक हमने पढ़ा था कि कानों में उंगली रख लूंगी जब वह मुरली की धुन मंद मंद बजाएंगे, फिर चाहे वे मोहिनी तान में, मोहिनी तान में छप्पर पर चढ़कर गोधन राग गाते हैं तो गाते रहे, फिर चाहे वे गोधन राग गाते हैं तो गाते रहे, मैं तो अपने कानों में अंगुली रख लूंगी। तेरी कहो सिगरे, तेरी कहो पुकार कर कह रही हूं। तेरी माने पुकार, पुकार कर कह रही हूं। सिगरे माने सभी ब्रज लोगनी, ब्रज के लोग, ब्रज एक जगह का नाम जहां वो रहते थे। ब्रज के लोगों को मैं पुकार पुकार कर कह रही हूं, सभी ब्रज के लोगों को मैं पुकार पुकार कर कह रही हूं। कल को काल ही माने कल को, कोई कितनो समझोई, कल को कोई मुझे कितना ही समझाए। मायरी वा मुस्का, मुख की मुस्कानी, मायरी माने मुझसे, वा मुख की मुस्कानी, वा यानी वह मुख की मुस्कान, वह मुख की मुस्कान संभारी न जाही, न जाही नहीं जाएगी, संभारी माने संभाली, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। पुकार पुकार कर मैं ब्रज के सभी लोगों को कह रही हूं कि कोई कल को मुझे कितना ही समझाए, मुझसे वह मुख की मुस्कान संभाली नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मुख की मुस्कान भी तो आंख बंद कर, आंख बंद करके संभाली जा सकती है, मतलब उसकी उनकी तरफ आकर्षित हुए बिना रहा जा सकता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, उनका कहने का मतलब ये नहीं था, रसखान जी का भाव यही था कि जो मुख की मुस्कान है उनकी कहीं ज्यादा आकर्षित करने वाली है अपेक्षाकृत उनकी मुरली की धुन की, तो उनकी बजाय वो मुख की मुस्कान उनकी बहुत ज्यादा आकर्षित करने वाली है। इसी तरह की कविताएं, इसी तरह के पाठ और व्याकरण के टॉपिक्स अगर आपको देखने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। और एक आखिरी बात, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको इस चैनल के वीडियो देखने को नहीं मिल रहे या कम मिल रहे हैं, तो सब्सक्राइब बटन के साथ इस बेल आइकन को दबा दीजिए, आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी। धन्यवाद।